के तर्रा से है, जहां अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस खाई में पलट गई। हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतर्रम में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक तुरंत जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में रिफर किया गया। ये थाना अतर्रा के अंतर्गत अतर्रा से उरन के बीच में प्राइवेट बस संचालित होती है। आज लगभग 5 बजे के आसपास 25 सवारी लेकर एक बस जा रही थी, संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गई, जिसमें से लगभग 13 लोग इंजर्ड हो गए। तत्काल सभी को PRB स्थानीय पुलिस की मदद से CSC अतर्रा भिजवा दिया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। एक व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा चोट है, जिसको रिफर करा दिया गया है जिला अस्पताल बांदा के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।